करना, अपने करियर को चेंज कर लेना, तो ऑफ कोर्स अक्सर हमारे साथ एक होता है ना, एक लाइफ में एक ऐसी स्टेज आती है जहां पे हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और आपके जो ड्रीम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको क्विट करने पड़ते हैं, या फिर हम बोलते हैं स्विच करने पड़ते हैं या सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उस चीजों को कैसे लेते हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ कि मेरी शादी हो गई, मेरी बेटी हो गई, एंड ऑफ कोर्स उस टाइम पे होता है कि आप अपनी फैमिली को ज्यादा समय देना चाहते हो, अपने बच्चों पे टाइम स्पेंड करना चाहते हो, उनके अच्छे भविष्य के लिए ऑफ कोर्स, क्योंकि बीइंग अ मदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एक माँ ये सोचती है कि मैं अपने बच्चे के साथ हमेशा रहूं, उसको अच्छी चीजें सिखाऊं। तो ऑफ कोर्स ये एक रीजन था मेरा एक लेना था कि मेरी बेटी हो जाए पहले 3-4 साल की, उसके बाद फिर मैं उसको एडजस्ट करके स्कूल छोड़ के तब मैं अपना करियर दोबारा से बनाना शुरू करूंगी। एंड ऑफ कोर्स जब हम जीरो से स्टार्ट करके 100 तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और 80 पे आके रुक जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि चलो अभी एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन वो हम 80 से वापस 0 डिग्री पे आ जाते हैं, राइट? तो वही हुआ, लेकिन घर बैठे बैठे जहां 8 साल से मैं जॉब कर रही थी, अपना कमा रही थी, अपनी लाइफ खुद से इंजॉय कर रही थी, कॉलेज टाइम से कमाना शुरू किया इवन, और छोड़ दिया, छोड़ना पड़ा। रीजन ऑफकोर्स बहुत बेसिक था कि फैमिली भी तो देखनी है। तो मुझे उस टाइम पे सिंपल सा एक वर्क फ्रॉम होम की तलाश थी। उस वर्क फ्रॉम होम में मैं भी आपकी तरह एक थी कि फेसबुक पे आ गई और देखा कि भाई अब तो वर्क फ्रॉम होम मिल गया, चलो देखते हैं क्या करना है, राइट? अब उसी के साथ साथ जब मैंने ये वर्क फ्रॉम होम ढूंढा और जब इसमें ज्वाइन करा, तब तो सीरियसली कुछ नहीं समझ आया पहले कि करना कैसे है, लेकिन जैसे जैसे आप किसी भी बिजनेस की शुरुआत करते हो या फिर ये कह लो आप बहुत ड्रीम्स देखते हो, आपके सपने बहुत होते हैं कहीं ना कहीं, तो उन्हीं सपनों की जो एक दुनिया होती है वो आपको लेकर चल देती है अपने आप आपकी मंजिल तक कि मुझे ये करना है, इन सब चीजों को फॉलो करना है। और बस वही मैंने करना शुरू कर दिया। और जैसे कि आपने अभी छोटी सी क्लिप में देखा कि मेरे सीनियर मैनेजर के रिकॉग्निशन से स्टार्ट हुआ मेरे गोल डायरेक्टर तक की जर्नी, जहां पे मेरा एक फर्स्ट इम्प्रेशन था कि ये वाला जो इम्प्रेशन कि मैंने फर्स्ट टाइम अपने आप को स्टेज पे देखा और वो कॉन्फिडेंस कि यस आई हैव अचीव समथिंग इन माय लाइफ, जो कि सिर्फ एक सक्सेस की शुरुआत थी, राइट? जहां पे आप मेरा नाम भी देख पा रहे हैं, पीछे फोटोग्राफ भी देख पा रहे हैं, तो ये जब मुझे मिला तो डेफिनेटली इस एक अचीवमेंट के मिलते ही लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी इसी साल हम जुलाई में दुबई गए थे कंपनी के साथ, कंपनी हमको दुबई लेकर गई थी। एंड ऑफ कोर्स जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं, हमारी कंपनी बोलती है आपको सिर्फ बैग पैक करना है और बस निकल पड़ना है अपने सपनों की शुरुआत करने के लिए। सो ऑफ कोर्स ये मेरी कंपनी के साथ पहली इंटरनेशनल ट्रिप थी, जहां पे ये पिक्स सब कुछ बयां कर रही है कि कैसे हम दुबई गए, कैसे मेरी इंटरनेशनल एक ट्रिप थी, जो कि अगर बात करूं तो शादी से पहले भी और शादी के बाद भी सिर्फ सपनों में ही सोच रहा था इंटरनेशनल कभी जाएंगे, कभी जाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स एक मिडिल क्लास फैमिली से जब आप बिलोंग करते हो तो आप ऐसे सपने देखते भी नहीं हो पहली बार, राइट? तो ये वाले वो हमारे ड्रीम्स थे जो कंपनी ने हमारे पूरे करे और कर भी रही है, जहां पे मैंने अपना कैश अवार्ड लिया, जहां पे आप देख रहे हैं एक VIP का टैग, और बहुत सारे ये पिक्स हैं, हाइलाइट्स हैं लाइफ की, ये मोमेंट्स हैं जो कैप्चर करके रखे। अब बात करते हैं, ये आपको लग रहा होगा ये तो बड़े लीडर्स हैं भाई, इनको तो कंपनी लेकर भी जाती होगी, इन्हें तो सब कुछ मिल जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? मैं भी आप ही की तरह थी, जो मैंने अपने सक्सेस प्लान पे, जो कि आपको मैं आगे बताऊंगी कि सक्सेस प्लान क्या है, वहां पे मैं अपनी एक मैनेजर बनी, एक छोटी सी मैनेजर बनी, जहां पे ऑफकोर्स इनकम आई मेरी उसी के साथ, उसके बाद मैंने अपना नेक्स्ट लेवल अचीव किया, नेक्स्ट टाइटल अचीव किया, देन सीनियर मैनेजर, एंड ऑफकोर्स उसके बाद गोल्ड डायरेक्टर, और ये थी मेरी फर्स्ट हाईएस्ट एवर रिसीव्ड इनकम। कितनी है स्क्रीन पे जरूर पड़िएगा, मैं आप सबको कुछ टाइम भी दे रही हूँ, चाहे तो चैट बॉक्स पे लिख के भी बता सकते हैं आप मुझे, और ये कोई एडिटेड नहीं है, नीचे अगर स्क्रीनशॉट के देखें, ये मेरी फर्स्ट टाइम हाईएस्ट इनकम आई थी जब मैंने 2019 के स्टार्ट किया था, 21 में जो मेरी इनकम आई थी मई में 1,23,846 रुपए, राइट? तो ये है 1 लाख में, और इसके नीचे ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे टाइम भी दिख रहा है, उसी के साथ साथ अमाउंट भी दिख रहा है, उसी के साथ साथ कंपनी ने इसे ट्रांसफर किया है, वो भी ऑफ कोर्स एक फैक्ट है, राइट? तो ये है एक इनकम जहां पे आप देख पा रहे हैं कि 1,23,000 कहां से, यहीं से मैं बनकर आई हूँ,
मुझे कंपनी ने कोई अडॉप्ट नहीं किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सुनने में हंसी आ रही होगी, लेकिन ऑफ कोर्स जो भी बड़े लीडर्स होते हैं मेहनत वहीं से करते हैं जहां से आप शुरू करेंगे या जहां से हर कोई शुरू करता है, जीरो से। जीरो से हीरो तक का सफर जो होता है लाइफ में वो यहाँ भी होता है कि कंपनी के रिकॉग्निशन लेटर में, मैगजीन में मेरी एक छोटी सी स्टोरी डाली गई जहां पे मैंने बताया कि मैंने कैसे काम किया, वहीं पे इन छोटी छोटी चीजों के साथ जहां पे मैंने अपने आप को अपने लिए एक स्कूटी गिफ्ट करी और कैसे करी, ऑफ कोर्स इसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है, डेफिनेटली आपको पता चलेगी, राइट। और ये मैंने कैश में ली थी, नो ईएमआई, किसी किश्त में नहीं ली थी कि फाइनेंस कराई हो इस कंपनी से उस कंपनी से, विद इन जस्ट मिनट कि मैं वहां पे गई, मैंने अपने पैसे दिए उनको और मैंने अपने लिए ले ली। व्हाई? अब उनको भी ये लगता है कि आज के जमाने में ये कैसे कि कैश में आके कौन लेता है भाई, जहां पे फाइनेंस कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ ये हमारी टीम वर्क, मेरी अपलाइन, मेरी सुपर अपलाइन, राइट, ये होता है आपका एक स्ट्रक्चर, काम करने का तरीका, जो कि वर्क फ्रॉम होम है, घर से करो काम और उसके बाद करो अपना नाम। बहुत छोटी सी चीज है कि हम घर से काम करके अपना नाम करते हैं, जहां पे हमें स्टेज पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, कंपनी हमें अच्छी खासी ट्रिप्स देती है, जो कि अगर मैं अगर एक मिडिल क्लास फैमिली की बात करूं जहां पे उनके बच्चे स्कूलिंग के लिए जा रहे हैं, सास ससुर है, देवर ननन है, फैमिली है, तो वहां पे अगर एक शिमला की ट्रिप भी बनानी होना तो आपको 6 महीने पहले सोचना पड़ता है। लेकिन हम लोगों की लाइफ में विद द ऑफकोर्स ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ गॉड एंड ओरिफ्लेम की हम कुछ भी सोच लेते हैं कि बैठे बैठे हमें कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, एंड इवन कंपनी इतना घुमाती है कि अब तो सोचने की जरूरत ही नहीं है कि हमें कौन सी ट्रिप के लिए निकलना है, राइट। अभी ये पिक्चर बिफोर ओरिफ्लेम 2019 एंड आफ्टर ओरिफ्लेम 2021, एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ फैक्ट, ये आप देख सकते हैं कि जीरो से हीरो तक का सफर, ये है जीरो से शुरुआत की थी जहां पे मैंने, कि अगर मैं बात करूं कि मैंने अपने बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, खुद के लिए वक्त देने के लिए मैंने अपनी जॉब से ब्रेक लिया, लेकिन वहीं बीच में मुझे एक ओरिफ्लेम की ऐसी जर्नी मिल गई, ओरिफ्लेम एक ऐसा मिरेकल मिल गया जिसको मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये मेरी लाइफ में मिरेकल है जो कि मेरे साथ हुआ, ऑफ कोर्स, एंड आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को ये चीज मिली। और उसके बाद आप मेरी दूसरे पिक में बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मेरी लाइफ में हुआ। उसी के साथ साथ सिंपल सी चीज करना क्या था, करना वही था कि जो अक्सर मैं इतने सालों से करती आ रही थी या हम लोग आज के जमाने में करते आते हैं, कि हम सिंपल में एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़ी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ओरिफ्लेम, जहां पे आप डायरेक्ट कंपनी के साथ उसके ब्रांड पार्टनर बनते हैं, डायरेक्टली आप कंपनी के ब्रांड पार्टनर का मतलब उसके ब्रांड में आप पार्टनर हो जाते हैं, कि जितना काम कंपनी कर रही है और उसके हिस्से का जितना काम आप कर रहे हैं आपको आपकी पार्टनरशिप मिलती है। और जब आपको पार्टनरशिप, जब आप अपनी मेहनत पूरी लगन से करते हैं, जब आप पूरी लगन से काम करते हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इजी होता है। और हम ही नहीं, हमारे इतने बड़े नेटवर्क में ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत लोगों के साथ हुआ है, जो कि आप हर रोज की मीटिंग ट्रेनिंग सेशंस में देखते हैं और आप देखेंगे आगे आने वाले टाइम में और सुनेंगे भी, राइट। और उसके बाद खुद के लिए भी एक दिन फील करेंगे कि हाँ, हम ऐसे, हमारे साथ भी हुआ है, हम भी एक मिरेकल से मिले थे, राइट। तो यहाँ पे मैं जब जुड़ी, अभी एक कंपनी जो पिछले 50 सालों से लोगों के सपनों पे काम कर रही है, और उन लोगों में मैं भी हूँ ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने कंपनी के साथ अर्न किया है, मैंने कंपनी के साथ एक रिस्पेक्ट ली है। रिस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं कि ऑफ कोर्स बहुत सुनने में बहुत अजीब लगता होगा, शायद आप में से कई लोग रिलेट भी करें, कि आप कहीं ना कहीं कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितना घर में मेहनत कर रहे हो, आप मतलब कितना काम कर लो, आप किसी की भी सेवा कर लो, आप कितना काम कर लो, लेकिन अगर आपकी खुद की आइडेंटिफिकेशन नहीं है, आपकी खुद की पहचान नहीं है, तो सामने वाला आपको सुना ही देगा कभी ना कभी कि तुम पूरा दिन घर में बैठ के करते क्या हो। ऑफ कोर्स देखो, होता है, मुझे नहीं पता कितनों के साथ हुआ है, कितनों के साथ नहीं होता है, चाहे वो मेल फंडा हो या फीमेल्स हो, कोई भी हो, ये सिंपल सी चीज है, जब तक आप अर्न नहीं करते हो, कमाते नहीं हो, अपनी फैमिली को खुशियां नहीं ला के देते हो, उनके सपनों के लिए नहीं जीते हो, तब तक रिस्पेक्ट ऑन करना इज इम्पॉसिबल, राइट। तो वही है हमारी ओरिफ्लेम, जो कि लार्जेस्ट यूरोपियन ब्यूटी कंपनी है, सबसे ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो आज 60 से ज्यादा देशों में है, 30 लाख से ज्यादा कंसल्टेंट है पूरे ग्लोबली यहाँ पर, राइट, जिसमें से हम भी एक है। अब व्हाई ओरिफ्लेम,
क्या है ओरिफ्लेम में? ओरिफ्लेम में इतना है कि ओरिफ्लेम में आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेते हैं, लेकिन वाई ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स ही? क्यों ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स हम ले? हम तो मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट ले आते हैं, लेकिन आप जब अपने खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं कि हमें एक्स वाई जेड ब्रांड की चाय पत्ती चाहिए, हमें गेहूं पिसवा के आटा चाहिए, हमें घी ब्रांडेड चाहिए, हमें सब कुछ ब्रांडेड चाहिए, तो क्या हमें कॉस्मेटिक ब्रांडेड नहीं चाहिए, जहां पे कि हम सुबह से लेके शाम तक दिन में 10 बार शीशा देख लेते होंगे, मिरर देख लेते होंगे कि हम कैसे दिख रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? तो उसी चीज पर कंपनी काम करती है, उसी चीज पर कंपनी हमारे लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है, अफकोर्स कि हम खूबसूरत भी दिखें। आप उसी खूबसूरती के साथ इन प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, और वहीं जब आप इन प्रोडक्ट्स को लेकर आते हो तो वहीं से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। जो बिजनेस आप एक मार्केट में दुकानदार को देकर आ रहे होते हो, वही बिजनेस आप खुद के लिए लेते हो, राइट? कैसे लेते हैं? देन अफकोर्स जैसे मैंने आपको बोला, कंपनी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, मतलब आप और कंपनी के बीच में कोई होलसेलर नहीं होता, कोई भी आपके बीच में रिटेलर नहीं होता, कोई भी सप्लायर नहीं होता है। जब आप कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो कंपनी आपके प्रोडक्ट डायरेक्ट आप तक पहुंचाती है, और उन्हीं प्रोडक्ट के साथ हम अपना बिजनेस शुरू करते हैं, राइट? बेस्ट ब्यूटी ब्रांड का अवार्ड कंपनी के पास है, जो कि आप देख सकते हैं। बेस्ट ब्यूटी ब्रांड मतलब अभी तक का बेस्ट, इकोनॉमिक टाइम्स ने दिया है कि कंपनी अभी तक के सबसे ज्यादा अच्छे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है, इसीलिए उसको ये अवार्ड दिया गया है। और जिस मैनेजर प्लान की, जिस सक्सेस प्लान की मैंने बात करी थी, वो ये है कि हम एक एक लेवल पे काम करते हैं, और इस लेवल के साथ जब हम काम करते हैं, इस सक्सेस प्लान पे जब हम काम करते हैं, तो डेफिनेटली वो जो आपने मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, वो ट्रांसफॉर्मेशन आप भी ले सकते हैं। आप जैसे ही कंपनी के साथ जुड़ते हैं, आप 0% होते हैं, और जैसे जैसे आप आगे काम करते हैं, यहाँ पे आप कैश अवार्ड्स ले सकते हैं, यहाँ पे आप अपने लिए घर ले सकते हैं, यहाँ पे आप अपने लिए गाड़ी ले सकते हैं, डेफिनेटली, लेकिन मेहनत के साथ, क्योंकि बिना मेहनत के अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी अचीव कर पाएंगे, सो दैट इज इम्पॉसिबल फ्रॉम माय साइड एंड इवन फ्रॉम योर साइड, क्योंकि बिना मेहनत के तो वो घर में बड़े कहते हैं ना कि बिना मेहनत के तो खाना भी नहीं खाया जाता, राइट? तो यहाँ पे जब आप मेहनत करते हैं, और आप अपनी मेहनत के साथ अपनी पहचान बनाने के लिए जब अपने सपनों को पूरा करते हैं, तो डेफिनेटली आप एक एक स्टेप चढ़ते चले जाते हैं और आप अपने सपनों तक पहुंचते चले जाते हैं। यहाँ पे जब तक जितने की मैंने 50,000 का कैश अवार्ड लिया, 75,000 का लिया है, 1,00,000 का लिया है, और अभी अपकमिंग जो नए टाइटल्स करेंगे उसके साथ लिए जाएंगे। अगर मैं इनकम की बात करती हूँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1,23,000 वॉज माई हाइएस्ट इनकम, जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने अकाउंट में एक महीने के अंदर ये देखा कि मेरे पास 1,23,000 रुपए क्रेडिट हुए हैं, जो कि मेरे लिए तो अनबिलीवेबल था, ऑफ कोर्स मेरी फैमिली के लिए भी अनबिलीवेबल था, क्योंकि जो मैंने अपनी लास्ट जॉब छोड़ी थी वो सिर्फ मात्र 35,000 रुपए पे छोड़ी थी, जो कि 8 साल में सिर्फ मेरा जो मेरी हाईएस्ट पेड इनकम थी, हाईएस्ट पेड सैलरी थी, वो सिर्फ 35,000 थी, और यहाँ पे मैंने 7 महीने के अंदर 35,000 रुपए अपने लिए महीने के क्रिएट कर लिए थे, और अगले एक साल में मैंने, 1.5 साल में मैंने अपना 1,23,000 रुपए की इनकम क्रिएट कर ली थी। सो दिस इज द पावर ऑफ आवर बिजनेस, कि जब हम काम करते हैं, करते क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको अपना होम ब्रांड रिप्लेस करना है। अभी ये डोंट वरी, अभी ये मत सोचेगा होम ब्रांड रिप्लेस करना है तो मतलब यार ये तो बड़ा ही डिफिकल्ट काम आ गया, कुछ भी नहीं आया है। अगर मैं बात करूँ एक कोलगेट की, आप अपने कोलगेट की टूथपेस्ट कितने की लेके आते होंगे? जस्ट इमेजिन, आई गेस अगर मैं बात करूं, 10 रुपए वाली भी एक लेकर आ रहे हो, ठीक है, महीने में कितनी, 15 आई, 15 कितने की हो गई, 150 रुपए की। लेकिन अगर मैं अपने ओरिफ्लेम के टूथपेस्ट की बात करूं, तो वो 111 रुपए में चलता है आराम से एक महीना, जो कि कोलगेट की ट्यूब से भी बड़ा होता है। व्हाई दिस? क्योंकि छोटा सा एग्जांपल है, और उसी के साथ जब आप बोलेंगे टूथपेस्ट के साथ भी कोई बिजनेस होता है, यस ऑफ कोर्स टूथपेस्ट के साथ भी बिजनेस होता है, सैनिटरी पैड्स के साथ भी बिजनेस होता है, क्योंकि जो भी कॉस्मेटिक होता है, जो भी ब्रांड्स आप लेते हैं, वहीं पे आपका ये बिजनेस जनरेट होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरर नहीं होता है, रिटेलर नहीं होता है, होलसेलर नहीं होता है, कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और डायरेक्ट आप तक पहुंचाती है। तो जो बिजनेस है वो आपके और कंपनी के बीच में है, डायरेक्ट सेलिंग का। किस पे हम काम करते हैं? आप यहाँ अपनी स्किन केयर पे, ऑफ कोर्स आप अपने लिए कोई फेस की क्रीम तो लेते होंगे ना, अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई इशू है, पिगमेंटेशन है, अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं, कुछ तो यूज करते होंगे। आपको कलर कॉस्मेटिक की बात करूं, फाउंडेशंस भी चाहिए रहते होंगे, लिपस्टिक्स भी आप यूज करते होंगे,
राइट, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, वेलनेस भी आप यूज करते होंगे अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, कुछ तो लेते होंगे, जैसे लेडीज लोग लेती है आपकी, एक मैंने भी लिया था वुमेन हॉलिक्स करके आता था ऐसा कुछ, ऑफकोर्स हमारे पास शैम्पू है, जितनी भी रेंज है कॉस्मेटिक की आप उस पर काम कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे सरप्राइज गिफ्ट्स होते हैं, जुम्बा सेशंस आपको मिलते हैं, साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज मिलती है, आपको वेट लॉस पे काम करना है, आपको वेट गेन पे काम करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल पे काम करना है, जिस भी चीज को आप चुनना चाहते हैं अपने लिए आप वो क्राइटेरिया लेते हैं और उसी के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने सिर्फ एक आई शेडो की पैलेट लिया था जिसमें 6 शेड्स थी और उससे मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। सिर्फ आई शेडो मुझे चाहिए थी उस टाइम पे और मैंने कहा चलो बाहर से नहीं कंपनी से लेके देखते हैं, पता चल जाएगा कि ब्रांड कैसा है और बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा। तो बस मेरा फर्स्ट ऑर्डर ही वो आई शेडो की पैलेट था जिससे मैंने अपने लिए एक ओरिफ्लेम वर्ल्ड में एंटर किया था, जहां मैंने अपने सपने पूरे किए, जहां पे मैंने बहुत सारे ड्रीम्स पूरे भी किए कि अपने घर में मैंने लॉकडाउन के दौरान 3 लाख रुपए के गिफ्ट्स किए थे। 3 लाख, 3 लाख, इट्स बहुत बड़ा अमाउंट होता है कि लोगों को सालों लग जाते हैं, जहां पे मैंने 8 साल में सिर्फ 35,000 का एक इंक्रीमेंट लिया था, वहीं पे मैंने 1 साल के अंदर 3 लाख के गिफ्ट भी कर दिए। एवरी ईयर मैंने अपनी फैमिली के साथ ट्रिप्स भी स्पॉन्सर की, हस्बैंड के लिए कार तक गिफ्ट की, स्कूटी भी गिफ्ट की, तो बहुत सारी चीजें हैं। बेटी का आज हर ड्रीम पूरा कर सकती, अगर मैं बात करूं तो मैं द्वारका के नंबर 1 स्कूल में अपनी बेटी का एडमिशन कराया है, वो वहां पढ़ती है, जहां पे लोगों को ये बोलते हैं कि आपकी बेटी का नंबर किससे आया, कैसे आया, अरे यहाँ पे तो बहुत महंगी फीस है, यहाँ पे 10,000 रुपए महीना फीस दी जाती है, इट्स ओके, क्योंकि हम कमा रहे हैं, अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए कर रहे हैं, सो व्हाई नॉट, राइट। हमने बचपन से अगर सिर्फ स्ट्रगल किया है, हमने बचपन से अगर अपने सपनों को नहीं पूरा होते देखा, तो व्हाई नॉट कि हम अपने बच्चों को भी क्या वही चीज देंगे, वही लाइफ देंगे? नहीं। हमारे पास अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम मेहनत करके काम करके आगे बढ़ सकते हैं, सो वी शुड गो फॉर इट, हमें वो चीज लेनी चाहिए। एंड सिंपल सी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताया बिजनेस स्टार्ट करना बहुत इजी है, सिर्फ अपना एक आपने रिप्लेस किया होम ब्रांड को, और होम ब्रांड के साथ जब आपने उसको रिप्लेस किया, साथ ही साथ आपको ब्यूटी मिल रही है। ऑफकोर्स छोटी सी लिपस्टिक का अगर मैं एग्जाम्पल दूं, आपने कभी सोचा है कि हम जो लिपस्टिक लगा रहे हैं हमारी बॉडी पे कितना इफेक्ट डाल रही है? क्योंकि आप लिपस्टिक लगाते हो पूरा दिन में, वो लिपस्टिक हवा में तो उड़ती नहीं, आप खाते हो पीते हो, वो आपके पेट में जाती है, क्या आपको पता है वो लिपस्टिक अच्छी है कि नहीं है? लेकिन ओरिफ्लेम आपको गारंटी देता है कि जो भी आप लिपस्टिक यूज करते हो, जब भी आप मंगाओगे, जब भी आप देखोगे, तो उसके प्रोडक्ट में आपको कोई भी ऐसा केमिकल नहीं मिलेगा जो आपकी बॉडी को जाके हार्म करता है, जो आपकी बॉडी के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, राइट? क्योंकि हमें ये भी नहीं पता होता बाहर के प्रोडक्ट्स के असली है कि नकली है। अगर मैं किसी भी छोटे से प्रोडक्ट की बात करूं, मैं अगर ओरिफ्लेम से पहले की बात करूं, मैं कोलेस्ट्रॉल का काजल यूज किया करती थी जो कि 160 रुपीज का आता था, लेकिन वही जो हमारी लोकल मार्केट लगती थी वहां पे वो 10-10 रुपए का बिक रहा होता था, तो मुझे सीरियसली अमेज होती थी कि यार मतलब वहां पे 160 का, यहाँ पे 10 रुपए का क्यों है, मतलब कंपनी ने क्या 5 रुपए में मैन्युफैक्चर किया था, अब ये 10 रुपए का बेच रहा है, कंपनी ने भी तो प्रॉफिट लिया होगा ना। तब समझ आया उस टाइम पे कि ऑफ कोर्स ये जितनी भी चीजें हैं नकली भी होती हैं और इनके अंदर इतने हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, साबुन हो, जितनी चीजें हो, कहीं ना कहीं हम इनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि बेटा हाथ साबुन से अच्छे से धोना, जबकि यही नहीं पता कि साबुन ऑलरेडी साबुन अच्छा है कि नहीं है। आंखों के काजल की बात करूं, हम एक बॉडी का ऐसा पार्ट काजल तो लगा लेते हैं लेकिन ये नहीं पता है कि क्या वो अच्छी क्वालिटी से बना है कि नहीं बना है। ओरिफ्लेम के काजल की बात करूं तो उसमें कपूर ऐड किया जाता है जो पहले लगाते ही थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है, जो कि बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। कहीं ना कहीं ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ब्यूटी के लिए, हम कोई भी क्रीम उठा के लगा लेते हैं कि चलो हमारा स्किन तो पहले से ही बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम एजिंग की तरफ जाते हैं, जब हमारी उम्र बढ़ती है, तो धीरे धीरे आपने कभी नोटिस किया है स्किन देखा है कैसी हो जाती है, चाहे हमारे पेरेंट्स की क्यों ना हो, सैगी स्किन हो जाती है, लटकने लग जाती है, जो क्योंकि जिस एज में आप उसको प्रॉपर रख सकते थे हम नहीं रख पाते हैं। सो दीज आर द रीजन कि आपको एक बेस्ट ब्रांड मिलता है यहाँ पे, उसी के साथ आप बिजनेस जनरेट करते हैं और कहीं ना कहीं आप अपने सपने पूरे करते हैं। और टीम वर्क, यहाँ पे सिर्फ टीम आपकी बनती चली जाती है और टीम में आप कोई भी हो सकते हैं, आपको सिर्फ आपकी टीम में वो लोग होंगे जो सपने पूरा करना चाहते हैं और उन्हीं सपनों के साथ काम करना चाहते हैं। जैसे कि आप इस पिक में भी देख पा रहे हैं कि सपने किसी के भी हो सकते हैं, सपना कोई भी हो सकता है, चाहे बच्चे की फीस भरने का हो, चाहे घर में राशन डालने का हो, घर बनाने का हो, दुनिया घूमने का हो,
सपना कोई भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड हम पे करता है कि हम क्या अपने उस सपने को पूरा करने में सक्षम है, क्या हम उतनी मेहनत कर रहे हैं, या सिर्फ हम दूसरों पे सिर्फ यही कह रहे हैं कि भाई इसकी किस्मत अच्छी है, इसको मिल गया, इसकी लॉटरी लग गई, इसका ये हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मेहनत जो करता है ऑफकोर्स उसकी जीत होती है। एक छोटी सी लाइन जरूर बोलूंगी, शायद आपको अच्छी लगे या नहीं लगे, कि कहते हैं ना कि सात घोड़ों की तस्वीर दीवार पे लगा लेने से या उगते सूरज की तस्वीर लगा लेने से कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं मिलती है। सूरज के उगने से पहले उठना पड़ता है और सात घोड़ों की तरह आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो सिंपल लाइफ का फंडा है कि जहां पे आप मेहनत करते हो वहीं पे आप सक्सेस होते हो। सो ऑफकोर्स वेलकम करते हैं हम आपका अपनी इस टीम में, जहां पे आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, साथ ही साथ आप भी हम में से एक हो सकते हैं जिन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से अपनी जॉब छोड़ी हो, या फिर किसी रीजन से चली गई हो, या फिर कभी घर के बाहर की दुनिया देखी ही ना हो। सपने बहुत हैं, उन सपनों को डेफिनेटली पूरा जरूर कीजिए। एंड ऑफ कोर्स आपके सामने बहुत अच्छे लीडर्स हैं, बहुत अच्छी टीम आपका वेट कर रही है, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए और कहीं ना कहीं अपने सपनों के लिए जिए और उन्हीं सपनों को पूरा करें। फॉर श्योर आपके ड्रीम्स भी पूरे होंगे। ज्वाइन कैसे करना होता है? ज्वाइनिंग के कोई चार्जेस नहीं होते हैं, सिंपल आप कोई भी एक अपना आईडी प्रूफ देते हैं और आप कंपनी के बन जाते हैं ब्रांड पार्टनर। आईडी प्रूफ कोई भी चलेगा, जो भी आपके पास अवेलेबल होता है, चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपका वोटर आईडी हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप अपनी टीम से जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है आप उनको दीजिए और कंपनी के साथ जुड़िए और इस ब्यूटीफुल टीम का एक हिस्सा बनिए, जहां पे आप अपने सपनों की दुनिया कैसे जी सकते हैं, ऑफ कोर्स अपने ड्रीम्स को कैसे जी सकते हैं वो आपको सिखाया जाएगा। एंड आई होप कि आप सबके सपने हैं और आप उनको पूरा करने के लिए रेडी भी हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हैं। ऑफ कोर्स तैयार है या नहीं है, या सिंपली सिर्फ मैं ही एक ऐसी हूँ जो अपने सपने पूरे कर रही हूँ? नहीं, राइट? स्टार्ट कैसे करते हैं? स्टार्ट ऐसे ही करते हैं कि आपको कंपनी को ज्वाइन करना है। आप ऑफ कोर्स कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप अपनी टीम भी कहीं से भी बना सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया। ऐसा नहीं है कि आप, मैडम मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे पास टीम नहीं है। देखिए, टीम मेरे पास भी नहीं थी, आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप मुझसे कनेक्टेड है, ऑनलाइन कनेक्टेड है, तो ये हमारा वर्क ऑनलाइन ही होता है। कैसे होता है वो भी आपको ट्रेनिंग सेशंस दिए जाते हैं हर रोज। एंड ऑफ कोर्स ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिंदगी में छोटी छोटी कहावतें याद कर लेने से कुछ नहीं होता है, उन्हें फॉलो भी करना होता है। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं कभी चलकर नहीं आएगा। तो ऑफ कोर्स आपके सपने हैं तो आप सीखिए कैसे करना है, वो भी सीखिए, और जो आपको सिखाया जा रहा है वो हर रोज फॉलो कीजिए। एंड आप भी इस ड्रीम टीम का हिस्सा बनकर आप भी मेरी जगह एक दिन अपनी स्टोरी सुना रहे होंगे कि कैसे मैंने ऑरिफ्लेम को ज्वाइन किया था और कैसे मैंने अब भरते बैठे घर से काम करना शुरू किया था। एंड आई होप कि मैं आपकी जितनी भी क्वेरीज है उनको सॉर्टेड कर पाई हूँ, बता पाई हूँ। ऑल द बेस्ट एवरीवन। एंड ऑफ कोर्स आप ज्वाइनिंग के लिए जिन्होंने आपको इनवाइट किया है आप उनसे एक बार कनेक्ट कीजिए और उसके बाद हम सब दोबारा मिलेंगे एक नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में। बाय एवरीवन, थैंक यू।